हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आज है 10 जुलाई और 10 नहीं 11 जुलाई है सॉरी, और मैं आज का व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 और नन्नू मम्मी और बुआ मतलब नन्नू की बुआ मतलब दीदी लोग गए हुए हैं राजनगर। राजनगर में मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी फैमिली एक्चुअली राजनगर में रहती है, खजुराहो से 7 किलोमीटर दूरी पे है, तो सब लोग वहाँ गए हुए हैं। सौरभ उनको लेकर गए हैं और नन्नू भी चली गई है। दादी है तो नन्नू को तो जाना ही था, दादी के साथ वो ज़्यादा रहती है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है। तो नन्नू भी उनके साथ चली गई है और आपने मेरी नंद को भी देख लिया है, थोड़ी सी झलक देखी है, पर मैं कोशिश करूँगी आगे की वीडियो में मैं उनको दिखाऊँ, मैं कुछ बातें बातें कराऊँ। और बस, और आज अभी 3:30 बजे और एक्चुअली आज हम लोग के यहाँ पे एक पूजा थी, मतलब देवी जी को प्रसाद चढ़ता है आज, तो मम्मी लोग गई थी वहाँ पर, मैं तो नहीं गई थी सुबह। तो हम लोग के यहाँ सुबह आज वो बना हुआ था, मतलब गुड़ की पूड़ी होती है जिसको पुआ बोलते हैं, वो बना था और दाल चावल बने थे। तो मैंने मैं अभी वो खाने वाली हूँ। मैं आज खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई एक्चुअली, मैंने सुबह थोड़ा मोड़ा खा लिया था, फिर मैंने दाल चावल खा लिए थे ऐसा कर करके, और मैंने अभी ढंग से खाना भी नहीं खाया था, तो अभी मुझे भूख लग रही है। मैं जाके फटाफट खाने वाली हूँ कुछ खाना, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी और थोड़ा सा मुंशी मामा बच्चा का कॉन्टेंट मैंने प्रिपेयर किया है तो उसकी वीडियो शूट करनी है। और हाँ, एक चीज़ आपसे बोलनी थी कि कई लोग बोल रहे हैं कि नन्नू लेफ्टी है क्या, नन्नू लेफ्ट हैंडेड है क्या, बट ऐसा नहीं, वो राइट हैंडेड है। एक्चुअली क्या होता है, मैं ये सेल्फी कैमरा से जो वीडियो बनाती हूँ, लाइक ये मेरा आपको पता है ये लेफ्ट हैंड है, वो आपको राइट दिख रहा होगा, तो वो मतलब सेल्फी कैमरा में ऐसी इमेज बनती है कि उल्टा दिखता है एक्चुअली, तो वही चीज़ है, ये लेफ्ट है बट ये आपको राइट दिख रहा होगा, ये राइट है तो लेफ्ट दिख रहा होगा, तो वो इस वजह से ऐसा लगता है आप लोग को, जैसे वो ड्राइंग वगैरह करती है, कलर वगैरह करती है तो आपको ऐसा लगता है, बट वो राइट हैंडेड ही है। और कई लोग स्पेशली स्नेहा गज्जर हैं जो वो बोल रही थी कि मामा बच्चा पे वीडियोस लाऊं, तो देखिए मामा बच्चा पे वीडियो लाने के लिए मुझे थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और थोड़ा सा हम नन्नू जैसे स्कूल जाने लग गई है तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी भी है, और घर के भी मेरे पास काम होते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोज़ आपको मामा बच्चा पे मिलें। और दूसरी बात, जो मेरी ये रूटीन वीडियो रहती हैं, तो रूटीन वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं बस अपना रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, मैं उसमें भी काफ़ी बच्चों की स्नैक्स रेसिपी बताती हूँ और काफ़ी मतलब बच्चों के रिलेटेड ही चीज़ें बताती हूँ। बातों बातों में कई सारी चीज़ें ऐसी बता देती हूँ जो मैं नन्नू के लिए फॉलो करती हूँ, या जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं मैं वो बताती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करती हूँ जो ये आप व्लॉग्स देखें ये इन्फॉर्मेटिव हों आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं हो। मैंने पहले ही बताया कि आप अगर मेरी वीडियो में 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हैं तो आपको वो टाइम वेस्ट हो। मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ लर्न करके जाओ, कुछ ना कुछ सीख कर जाओ, यही मेरी कोशिश रहती है। भले तभी मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट एक रेसिपी वीडियो तो, मतलब एक रेसिपी का कंटेंट तो होना ही चाहिए मेरे व्लॉग में, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ तो सीख कर जाएं आप। तो ऐसा नहीं है, मैंने व्लॉग चैनल भी चालू किया था तो यही सोचिए कि कुछ सीखे, ऐसे मुझे टाइम वेस्ट किसी का कराना भी नहीं अच्छा लगता है, राइट। एनीवे, तो ये बात थी, बट मैं मामा बच्चा में कोशिश करूंगी कि मैं प्रॉपर मतलब उसमें एटलीस्ट वीडियो जाए, वीक में 3 दिन जाए, मेरी वही कोशिश रहती है, मैं कोशिश करती हूँ। अभी सही बोलना था, बाकी बहुत प्यार करते हैं आप लोग नन्नू को, बहुत अच्छे कमेंट्स लगते हैं, मतलब कि आप लोग की वेल विशेज हमेशा नन्नू के साथ रहेंगी है। मतलब मैं हमेशा यही बोलती हूँ मम्मी से, मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि मम्मी हमारे अलावा भी बहुत लोग हैं दुआ करने वाले नन्नू के लिए, नन्नू के लिए हमेशा बोलते रहते हैं आप लोग, इंडिया ही नहीं बाहर से भी लोग नन्नू के लिए बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह सलामत रखे नन्नू को, भगवान उसको हमेशा खुश रखे। बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे कॉमेंट सुन के कि चलो ठीक है नन्नू को मतलब सलामती, ये बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं मम्मी को भी पढ़ाती हूँ, अपनी सासू माँ को भी पढ़ाती हूँ, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो बस ये बात आपसे कहनी थी, अब मैं जाती हूँ कुछ खा लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद जाऊँगी वीडियो शूट करने, फिर मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। सो गाइज, अभी नन्नू नहीं है ना ही कोई घर पे है, तो मैं आराम से अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ और वीडियो एडिट का सारा काम कर रही हूँ, और जिस भी मेल का मुझे रिस्पांस करना होता है, मतलब सारा मेरा वीडियो से रिलेटेड काम अभी हो रहा है खाली दिमाग से, क्योंकि अभी नन्नू भी नहीं है और घर पे कोई है भी नहीं, तो मैं नीचे लॉक लगा कर और ऊपर आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। हेलो गाइज, सो मैं वीडियो एडिट करके आ गई हूँ और मैंने मतलब सेव भी कर लिया है, बस अपलोड पर लगाना है। और अभी टाइम हो रहा है 6:51, मतलब मुझे करीब
3 घंटे लग जाते हैं ऑब्वियसली यार, लगेंगे। कंटेंट प्रिपेयर करो, कई बार कंटेंट भी प्रिपेयर नहीं होता है, वीडियो शूट करो, एडिट करो, कई बार 4-4 घंटे भी लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस वीडियो एडिट कर चुकी हूँ मैं, और अभी भी नन्नू लोग नहीं आए हुए हैं, मम्मी लोग नहीं आई हुई हैं, बट मैंने अभी फ़ोन में बात की है, तो आने वाली है मम्मी लोग, बस निकलने ही वाले हैं। तो हार्डली 10-15 मिनट या मान लो 20 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आने वाले हैं वो लोग। और आप देख रहे होंगे मैंने आज इयररिंग्स नहीं पहनी है, एक्चुअली कल मैं शादी में गई थी, आपको जैसे बताया था, तो शादी में गई थी मैं, तो वहाँ पर मैंने वो आर्टिफिशियल पहने थे, उसके बाद मैंने गोल्ड के उतार दिए थे, तो मैंने पहनी नहीं पाई। अभी मैं रात को पहन लूँगी, रात तक तो ऑब्वियसली पहन ही लूँगी मैं। अजीब लगते हैं वैसे इयररिंग्स नहीं पहनना, तो फेस अजीब सा लगता है। और ये कुर्ता, कई बार लोग मुझसे पूछ बोलते हैं ना, बताया करो आप कुर्ता कहाँ का है, तो ये कुर्ता आपने मुझे बहुत बार पहने हुए देखा होगा। ये कुर्ता एक्चुअली सौरभ लेकर आए थे, हैदराबाद गए थे वो, बहुत पहले तो नहीं, मतलब 1-1.5-2 साल पहले गए थे हैदराबाद ऑफिस के काम से, जब वो ऑफिस में थे, मतलब IT में थे, तब गए थे वो हैदराबाद, तो वहाँ से ये कुर्ता लेकर आए थे। तो ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत कंफर्टेबल भी लगता है मुझे, तो मैं तो पहन लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा। उसके बाद आज मैं डिनर में सोच रही हूँ बनाने का इडली सांभर, क्योंकि इडली सांभर बनाना बहुत दिन से मैं सोच रही थी, बनाना है, खाने का भी मन कर रहा था, तो इडली सांभर बनाऊंगी। रवा की इडली बनाने वाली हूँ मैं, सूजी की इडली बनाती हूँ, दाल की इडली तो बहुत रेयर बनाते हैं हम लोग, सूजी की इडली थोड़ी जल्दी बन जाती है, लेकिन दही चाहिए, उसके लिए दही है नहीं, तो अभी मैं कॉल करने वाली हूँ जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उन लोगों को तो कोई लाकर घर में भिजवा देगा, तो बस कॉल करने की देरी है, आ जाएगा दही, फिर उसके बाद मैं घोल बना के रख लूँगी। और अभी 7 नहीं बजा है, 7 बजने वाला है, तो बस फिर मैं उसके बाद जाऊँगी इडली सांभर बनाऊँगी। और अभी मैं जाती हूँ फटाफट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि 7 बज गया है और आपको पता है 7:45 बजे मेरा टाइम होता है पूजा करने का। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ा रुक के मिलती हूँ, मैं जल्दी से पूजा कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पर इडली सांभर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सांभर के लिए सबसे पहले 2-3 कलियाँ इमली की भिगोई हैं पानी में, क्योंकि सांभर में हमें इमली की जो घोल होता है इमली का, वो डालना होता है, तो इसके लिए मैंने एक बोल में इमली को भिगोया है। और यहाँ पर मैं जब तक कि बैटर तैयार कर लूँगी, वैसे मैंने दही मंगा भी लिया था बाज़ार से, और साथ में मुझे, मैंने मम्मी को कॉल किया तो पता चला कि फ्रिज में छाछ भी रखी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था मम्मी ने आज घी बनाया होगा। तो मैंने क्या किया, 3 चम्मच जैसे 2.5 कटोरी मैंने यहाँ पर सूजी ली है, तो उसमें मैंने 3 चम्मच दही डाल दी और बाकी का मैंने छाछ डाल दिया, और बिल्कुल आधा कप पानी यूज़ किया था मैंने, क्योंकि छाछ भी रखा हुआ था उसको भी ख़त्म करना था, तो पानी मैंने कम ही डाला है, तो छाछ से क्या होगा कि अच्छा सा बहुत स्पॉन्जी बन जाएगा वो। तो बस ये बैटर मैंने तैयार कर लिया, मैंने सोचा पहले बैटर तैयार कर लेते हैं और इडली भिगो के रख देते हैं, जब तक ये भीगेगी मतलब सोख होगी अच्छे से, तब तक कि मैं सांभर की तैयारी कर लूँगी और सांभर बना लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने इडली का घोल तैयार करने के लिए 2 कटोरी या 2.5 कटोरी जैसे सूजी ली है मैंने, तो उसमें मैंने 3-4 चम्मच दही डाला है और बाकी का 1 गिलास, छोटा गिलास है, 1 छाछ डाला है और इसका बैटर तैयार किया है। अभी मैंने नमक नहीं मिलाया है, इसको रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। सांभर के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी अरहर की दाल ली है, सब्जियों में मैंने लिया है, आप देख सकते हो क्वांटिटी, यहाँ पर मैंने थोड़े से कद्दू लिए हैं, थोड़ी सी लौकी ली है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट किया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट किया है, बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, यहाँ पर 1 बैंगन लिया है और 1 मीडियम साइज़ का आलू कट किया है, यहाँ पर मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काटी हूँ, क्योंकि मैं इसको एक्चुअली डायरेक्ट प्रेशर कुक करूँगी और फिर हम एक्चुअली मैश कर लेंगे इसको, तो कुकर में हम प्रेशर कुक करने वाले हैं एक्चुअली, तो हमें इसको छोटे टुकड़े में काटने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे वो बॉईल होके बिल्कुल मैश हो जाता है। तो बस कुकर में हम, मतलब मैं जैसे बनाती हूँ सांभर, तो दोनों दाल को और सब्जी को एक साथ ही प्रेशर कुक होने रख देती हूँ और बहुत जल्दी बन जाएगा सांभर, आप देखना, कुछ भी इसमें कलाकारी नहीं है, चाहे जब आपका मन करे तब बना सकते हो। बस इसमें जो छोंक है वो मैं अलग तरीके से लगाऊंगी, इसमें ना ही मैं प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाने वाली हूँ, बस बॉईल होते वक्त ही प्याज और टमाटर डाल दिया है, आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को भी खिलाना है, नन्नू को भी खिलाना है, तो हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, बट छोंका लगाते वक्त जब मैं इसका तड़का लगाऊंगी तब मैं एक्चुअली लाल मिर्च का यूज़ करूंगी। इसमें पानी आपको मैंने 2.5 गिलास डाला है, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड होता है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी होता है सांभर में, इसलिए मैंने यहाँ पर पानी ज़्यादा डाला है। और साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी डाल दूंगी बॉयल होते वक्त ही। अब
अभी से मैं प्रेशर कुक होने रखूंगी, सिम में बिल्कुल स्लो में रखूंगी और 3-4 सीटी आने तक की इसे पकाऊंगी। बिल्कुल धीमी आंच में आपको रखना है। अब यहाँ पर मैं साथ ही चटनी की तैयारी कर रही हूँ, तो चटनी के लिए एक्चुअली मैंने एक नारियल लिया है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर चने की दाल थोड़ा सा ज़्यादा ली है। ये जो रेसिपी है चटनी की, एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी से पूछी है, मम्मी जी से मतलब सासू माँ से पूछी है। मम्मी आ चुकी हैं अब तक की, जब तक मैं सांभर का बना रही थी, तैयारी कर रही थी, तब तक मम्मी आ गई थी। तो आप सबको पता ही है जो मेरी सासू माँ है वो चटनी एक्सपर्ट हैं, तो मैंने सोचा उनसे पूछ के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आती फ्रेंकली स्पीकिंग नारियल की चटनी बनाते। तो मम्मी ने बोला था कि थोड़े से ऑयल में चने की दाल को एक्चुअली पहले भून लो, और इसको मैंने भून लिया है। रोस्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट इसे पानी में डाल दूंगी, क्योंकि चटनी को हमें एक्चुअली पीसना है, तो ये दाल तब तक की फूल जाएगी तो फिर अच्छे से पीस जाएगी चटनी। तो बस इससे मैंने रोस्ट कर लिया है थोड़े से तेल में और इसे पानी में डाल दिया है, और अब तक की मेरा जो इडली का बैटर है वो भी अच्छे से फूल गया है, अच्छे से हो गया है। तब तक की मैंने ये जो इडली का सांचा है मेरे पास, जो इडली का कुकर है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इस पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। तब तक की मैं जो इसके मोल्ड्स हैं इडली के, इनको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, और ग्रीस करने के बाद जो बैटर है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। उसमें अभी नमक नहीं डाला है हमने, तो हमें उसमें नमक डालना होगा, और फिर हम उसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे। ये आप देख सकते हो अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी, जिससे कि ये थोड़ा सा इसी जो कंसिस्टेंसी है वो एक सी हो जाए। अब ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है मुझे। अब इसमें मैंने पहले नमक नहीं डाला था, बाद में ही डालेंगे नमक, तो जिससे कि वो पानी नहीं छोड़े और नमक बाद में ही डालें तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, फिर इसे मिक्स कर दूंगी। और प्रेशर, जैसे कि जो हम इडली का सांचा में हमने पानी गर्म कर दिया, जब पानी बॉईल होने लग जाता है, मतलब गर्म हो जाता है एक्चुअली, तभी हमें सोडा इसमें डालना चाहिए। और सोडा डालने के 1-2 मिनट में ही हमें जो प्रेशर जो इडली का सांचा है उसमें इडली भर देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1/4 चम्मच मैंने सोडा डाला है। फिर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और आप थोड़ा 1-2 मिनट बाद देखोगे ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको बुलबुले से दिखेंगे हल्के से। फिर आपको तुरंत ही आपको जो इडली के मोल्ड्स हैं उसमें भर देना है इस घोल को। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए हल्के हल्के बुलबुले आपको दिखेंगे, ये मतलब कि इसमें सोडा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अगर इस टाइम पर इसे इडली के स्टैंड में डालेंगे, इडली के सांचे में डालेंगे, मोल्ड्स में भरेंगे, तो इडली बहुत अच्छी स्पॉन्जी बनेंगी। तो बस इसे अब हम भर देंगे और इडली के जो कुकर है उसमें इसको रख देंगे। और बस इस कुकर को हम ढक देंगे और 5-6 मिनट तक की इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और बीच में आपको इसको ओपन नहीं करना है। 5-6 मिनट बाद ही आप जब ओपन करेंगे तो बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगी। तब तक कि मैं अब यहाँ पर सांभर की तैयारी कर रही हूँ, जब तक यहाँ पर इडली पक रही है। तो सांभर के लिए सबसे पहले जो हमने इमली के पानी जो बनाया था, मतलब इमली को जो हमने भिगो के रखा था, उसमें से मैं ये इमली के बीज निकाल लूँगी और इसे अच्छे से हाथों से मैश कर लूँगी, और जो भी इसका मतलब जो इमली का जो भी क्या बोलना चाहिए छिलका है उसको बाहर निकाल दूंगी, और ये जो इमली का रस है फिर ये हम अपने सांभर में यूज करेंगे। और अब यहाँ पर 5-6 मिनट हो चुके हैं, और इडली अब मैं देखूंगी इडली का कुकर ओपन करके कि अब शायद पक गई होगी इडली। तो इसको आपको देखने के लिए क्या कर सकते हो, आप टूथपिक से इसको लगा कर देख सकते हो, या फिर नाइफ से देख सकते हो। यहाँ पर कुछ भी मतलब नाइफ क्लीन आई है, मतलब कि इडली है हमारी अच्छे से पक चुकी है, और इसे मैं निकाल कर कैसरोल में डाल दूंगी। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट इडली है, बहुत ही अच्छी आई थी, वाकई खाने में भी बहुत अच्छी थी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। जैसे कई बार आप घी बनाते हो तो घी का जो छाछ निकलता है, तो छाछ एक्चुअली हम ज़्यादातर, मैंने बहुत बार अपने ब्लॉग में बताया कि उस दिन हम इडली बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि वो घर का बना छाछ होता है, फ्रेश छाछ होता है इसलिए। तो बस यहाँ पर इडली बन चुकी है। अब जो सांभर का हमने लगाया था कुकर एक्चुअली सांभर के लिए, वो भी हम ओपन करके देखते हैं। जब वो एक्चुअली प्रेशर सीटी निकल जाए, उसकी प्रेशर निकल जाए, उसके बाद ही आपको ओपन करना है, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसको मैश कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका अब हम डायरेक्ट तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई ली है, और 8-10 करी पत्ते लिए हैं, और साथ में मैंने लिया है 1.5 चम्मच सांभर मसाला। सो
तो तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें लाल मिर्च और राई डाल दी है, और इसके 5 सेकेंड बाद ही आपको जो करी पत्ता है वो डाल देना है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो हमने कुकर में सांभर पकाया था, सांभर के लिए जो सब्जी और दाल पकाई थी उसको डाल देना है, और उसको डालने के बाद बस आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम उसमें सांभर मसाला डाल देंगे, और साथ ही जो इमली हमने तैयार की थी, इमली का घोल, वो डाल देना है, और 1 चम्मच यहाँ पर मैं शक्कर भी डालूंगी, और मुझे लग रहा था नमक कम है तो मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था, 2-3 चुटकी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक डाला, कम डाला है, तो बस नमक डाल देंगे, और बस ये हमारा सांभर मसाला सांभर तैयार है। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ये हमारा सांभर तैयार है, और इसके बाद बस हमें हरा धनिया पत्ती और डाल देंगे, और बस इसको एक उबाल आ जाएगी, फिर इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और हमारा सांभर तैयार है। आप चाहो तो इसमें कश्मीरी मिर्च थोड़ा कलर के लिए, रेड कलर के लिए डाल सकते हो, बट मैं घर में जनरली अवॉइड करती हूँ, जब कोई मेरे यहाँ पे गेस्ट आता है तभी मैं ये सब सब्जियों में यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा कलर के लिए, अदरवाइज़ ये सब घर में नुकसान करता है, ना ही डालो तो अच्छा है, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में ही खाना है बस, और ये सांभर तैयार है। इसके बाद अब देखते हैं कि नारियल की चटनी कैसे बनानी है। तो इसके लिए हमने बहुत सारी हरी मिर्च ली है, 8-10, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, और नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है, पानी वाले नारियल को, और 1.5 इंच अदरक लिया है जिसको हमने छील लिया है, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया, और 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इन सबको हम मिक्सर जार में डाल देंगे, और साथ ही जहाँ पर हमने अभी जो दाल भिगोई थी, चने की दाल, इसको हम डालेंगे। कई लोग जो चने आते हैं, काले चने, उसको भी डालते हैं, रोस्टेड जो आते हैं वो भी चलेगा, और इसमें मैंने जो पानी है वो भी डाल दिया है थोड़े से, और मसालों में मैंने थोड़ा सा बस भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, सफ़ेद नमक डाला है, और थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक डालूंगी जिससे कि टेस्ट अच्छा आ जाए, बस काला नमक डाल के। और इसमें अभी मैं एक्चुअली 2 चम्मच दही डालना भूल गई थी, वो डालें, और बाकी के बचे हुए चने भी डाले हैं एक बार ग्राइंड करने के बाद। फिर इसको अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है, और ये बस चटनी तैयार है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यमी थी, सबको बहुत अच्छी पसंद आई थी। मतलब अब चटनी में भी हमें इसमें तड़का लगाना होता है, तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच छोटा चम्मच तेल डाला है, तेल को तवे पे रखा है, एक्चुअली तवे से ही मैंने फ्राई कर लिया था, तड़का लगा लिया था, और इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता डाले हैं, और बस इसको हम डाल देंगे इस चटनी में, और चटनी भी हमारी तैयार हो जाएगी। और ये इडली सांभर तैयार है, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बिलीव मी बहुत टेस्टी बना था, और आप भी ट्राई करेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। हेलो गाइस, सुबह बज रहे हैं अभी रात के 9:32, और मैंने खाना वाना सब खा लिया है। खाना क्या, वो इडली सांभर बनाया था तो मैंने भी खा लिया, और सौरभ ने खा लिया, मम्मी ने भी खा लिया, और नन्नू ने भी खा लिया। नन्नू का मैंने एक्चुअली सांभर ना अलग से निकाल लिया था बिना फ्राई किया हुआ, क्योंकि उसमें मैंने लाल मिर्च डाली थी तो वो नहीं खाती, और बाकी हम लोगों ने तो खा लिया है। और मतलब मेरा और सौरभ को तो ऐसा इडली और सांभर चल जाता है, मम्मी को रोटी भी खाना था होता है, मतलब इडली सांभर वो कम ही खाती हैं, बट रोटी के साथ चल जाता है। पर कई जगह ऐसा होता है ना, मैंने देखा है, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, एक्चुअली मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उनके हस्बैंड के साथ ऐसा था कि भले ही इडली सांभर कितना ही कुछ बना लो, लेकिन वो प्रॉपर डिनर जो होता है, रोटी दाल सब्जी एंड ऑल, वो सब होना चाहिए। और उसके मायके में ऐसा था कि मतलब स्नैक्स जैसे बना लिया और वो खा लिया तो चल जाता था, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता था कि कुछ ऐसा बने। और मेरे मायके में ऐसा था कि मेरे मायके में ऐसा है एक्चुअली कि जैसे ये सब बनता है ना स्नैक्स वगैरह, बट उसके साथ भी खाना चाहिए। और मुझे ससुराल ऐसी मिली है कि मतलब यहाँ पर जैसे एक सा बना तो सब खा लेते, जैसे अगर मैंने पाव भाजी भी बनाती तो पाव भाजी सब खा लेते, ऐसा नहीं था कि मुझे स्पेशली फिर दाल रोटी और वो सब भी बनाना पड़ता। मतलब वही होता, जो मुझे लगता जो मायके में जैसा होता ना उसका ऑपोजिट ही मिलता है ससुराल, मतलब जो मतलब सोचते हैं ना हम, उससे हटके ही मिलता है एक्चुअली, क्योंकि मायके में जैसा होता बिल्कुल उससे अलग मिलता है कभी, मतलब मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है। आप बताइएगा आपके केस में क्या है, मतलब ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है क्या, जैसा मायके में था उससे अलग मिला है क्या ससुराल आपको? बट मैंने जनरल केसेस में देखा है ऐसा ही होता है। तो बस अब रात का टाइम हो चुका है, मैं जाऊँगी फेस वॉश करने, देन उसके बाद मैं नन्नू को भी अब सुलाऊँगी। नन्नू अभी तक जग रही है, और दीदी एक्चुअली आज आई नहीं है वहाँ से, दीदी वहाँ राजनगर में ही रह गई हैं, और वो कल आएंगी क्योंकि वहाँ पर सबने बोला दीदी को रुक जाओ, तो वहीं पे रुक गई थी वो, तो मम्मी और सौरभ आ गए थे, और फिर बस फिर हम लोग ने खाना वाना खा लिया है, अब फ्री हो गए हैं, अब बस थोड़ा सा बातें वातें करेंगे और फिर सो जाएंगे, थोड़ा रुक के, अभी तो नहीं, अभी तो
9:30 बजे, बट हाँ नन्नू को सुला दूंगी मैं। हम लोग, कई लोग पूछते हैं कितने बजे तक सोते हैं, तो हम लोग करीब सोएंगे रात के 11 बज जाते हैं, 11-12 नॉर्मल है, इतना तो लग ही जाता है सोने में टाइम। अभी मैं रात को दूध भी पीऊँगी, अभी नहीं, 1.5-2 घंटे बाद मैं करीब दूध पीऊँगी। मेरा वैसे रोज़ का है कि रात को एक गिलास दूध पीना ही पीना है, भले चाहे जो हो जाए, मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं रात को दूध ज़रूर पीऊँ। कभी बात अलग है कि पेट बहुत ज़्यादा खा लिया है मैंने, या हैवी लग रहा है, या कुछ और खा लिया, जैसे खीर वीर खा ली तो नहीं पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं पीती हूँ। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, आप वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, बट सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और लाइक भी कर देना वीडियो को तो वो भी अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।